हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी होने वाली है इंग्लिश के लिए। तो आज हमारी जो ट्रिक है वो है एक्टिव एंड पैसिव के लिए। आप सब ने ये टॉपिक पढ़ा है एक्टिव एंड पैसिव। इसमें हम एक छोटी सी ट्रिक क्या है, ये है कि भाई एक्टिव पैसिव जो हमेशा याद रहे, कुछ लोग भूल जाते हैं, ये उनके लिए है और आपके बच्चों के लिए जो स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी होप करता हूँ ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। इसमें हमें क्या करना है, नंबर एक सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। और दूसरी ट्रिक, दूसरी बात ये याद रखनी है कि जो बी होता है, बी क्या है, बी है इज आर एम वाज वर। बी की फर्स्ट फॉर्म बी होती है और इसमें हम इसके लिए हम इज आर एम लिखते हैं। बी की सेकेंड फॉर्म वाज वर्ब और बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है। इसमें बी को मेन वर्ब, जो बी होगी हमारी वो मेन वर्ब का रूप ले लेगी। जो हमारा कोई भी टेंस दिया होगा तो उसमें जो वर्ब दी होगी, मान लीजिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह बी आएगा, तो मेन वर्ब की जगह बी आएगा। मान लीजिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो वहां पर भी बी आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वहां पर आएगा बीन आएगा। तथा मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म, जो मेन वर्ब हो गया हमारी वो चाहे फर्स्ट फॉर्म दी हो, चाहे सेकंड फॉर्म दी हो, चाहे थर्ड फॉर्म दी हो, उसे हमेशा हमें कन्वर्ट करना है थर्ड फॉर्म में, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, बी मेन वर्ब का रूप ले लेगा और जो मेन वर्ब होगी वो थर्ड फॉर्म का रूप ले लेगी, ठीक है। नॉट एक बात और याद रखनी है, जिन वाक्यों में, जिन टेंस में ऑलरेडी बी या बीन का प्रयोग हो चुका होता है, यानी कि जिन वाक्यों में बी या बीन होता है उन वाक्यों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, उन वाक्यों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। याद रखिएगा, जिन वाक्यों में बी या बीन का प्रयोग ऑलरेडी होता है उन वाक्यों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। चलिए आज हम पहला वाक्य बनाएंगे अपना, ठीक है। तो हमारा पहला वाक्य है राम रीड्स ए बुक। राम रीड्स ए बुक, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और हमें पता है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। सबसे पहले हमने क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है इसमें राम और ऑब्जेक्ट है इसमें बुक, ऑब्जेक्ट है इसमें बुक। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए बुक, ए बुक। और हमने क्या कहा है कि जो इसमें वर्ब होगी उसकी जगह आ जाएगा बी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह बी की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बी की फर्स्ट फॉर्म बी होती है और बी में फर्स्ट फॉर्म में क्या यूज करते हैं हम, एक के लिए इज, ए बुक इज। और जो वर्ब होगी वो वर्ब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ए बुक इज अब रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड रेड रीड, बोला अलग अलग जाता है लेकिन लिखा एक ही जाता है। ए बुक इज रेड रेड बाय, अब ऑब्जेक्ट जो हमारा क्या बन गया, राम, रेड बाय राम। अगला, राम इज रीडिंग ए बुक, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज हो रखी है तो इसमें वही करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। राम इज रीडिंग ए बुक, तो क्या बनेगा, ए बुक इज। अब रीड लिखा है इसके साथ में आई एन जी है, हमने क्या कहा है वर्ब की, वर्ब किसका रूप ले, वर्ब की जगह क्या आएगा, बी, तो यहां पे आएगा बींग, ए बुक इज बींग, ए बुक इज बींग। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि जो बी रीड था ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ये भी रीड ही लिखी जाएगी हमारी, ए बुक इज रीड रेड बाय राम। राम हैज रेड ए बुक, अब ये हमारा हैज है, हैज के साथ में क्या यूज होती है हमें, तो थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट है हमारा, तो राम हैज रेड ए बुक। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वही करना है, ए बुक हैज को हैज ही लिखेंगे। अब हमारे पास में क्या आया, रेड, ये थर्ड फॉर्म है तो यहां पे ये थर्ड फॉर्म किसका रूप ले लेती है, बी, इसकी जगह तो आएगा बी और बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, ए बुक हैज बीन। और ये इसकी रीड की थर्ड फॉर्म, रेड रेड, वही लिखेंगे।
ए बुक हैज बीन रेड बाय राम। तो कैसी लगी बच्चों ट्रिक? थैंक यू।